नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, रामचरितमानस पर शुरू हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा के बाद अब इसमें एक नई पार्टी जुड़ गई। जी हां, बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और उन्होंने 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया है। आखिरकार गेस्ट हाउस कांड क्या है, उस पर भी बात करेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़िए। इस वक्त मैं फेसबुक पर लाइव हूँ, आप मेरे साथ जुड़ के अपनी ओपिनियन, अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से ये बवाल शुरू हुआ था। उन्होंने रामचरितमानस को बकवास बताया था और इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताया था। इसके बाद ये बयान यूपी तक पहुंच गया। यूपी की राजनीति की में इसने बहुत दिनों से सुर्खियां बनाई है। लगातार अखिलेश यादव पर भाजपा और तमाम विपक्षी दल भी निशाना साध रहे हैं कि अभी तक अखिलेश यादव रामचरितमानस पर कुछ कह क्यों नहीं रहे। इसके अलावा सपा कार्यकारिणी की बैठक में सौर प्रसाद मौर्य को उन्होंने पदोन्नति की, उनको कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया, महासचिव बना दिया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया सौर प्रसाद मौर्य को। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आज लखनऊ कार्यालय में, सपा के लखनऊ कार्यालय में भाजपा के कुछ सिख समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे, वहां पर रामचरितमानस को लेकर पहुंचे, वो ग्रंथ लेकर पहुंचे और उन्होंने बाकायदा अखिलेश यादव से मुलाकात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि उनका सिर्फ एक मकसद है कि अखिलेश यादव से मुलाकात करके उनको रामचरितमानस की असल व्याख्या बताना कि रामचरितमानस कभी भी भड़काने वाला या फिर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला ग्रंथ नहीं हो सकता। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि शबरी के झूठे बेर भी श्रीराम ने खाए थे, उस बात का भी जिक्र यहां पर है। लेकिन क्या वो अखिलेश यादव को समझ नहीं आता? केवट को भी श्रीराम ने गले लगाया था, क्या वो अखिलेश यादव को समझ नहीं आता? ये तमाम सवाल सिख समुदाय की तरफ से उठाए गए। इसके अलावा इन सब चीजों के बीच मायावती का जो ट्वीट है वो गर्दिश करता रहा। मायावती ने साफ तौर पर याद दिलाया कि 2 जून 1995 को जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और मायावती की पार्टी बसपा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद 200 से भी ज्यादा सपा समर्थकों की भीड़ ने मायावती पर हमला किया था और उस हमले में काफी बाल बाल बची थी, उनके साथ बदसलूकी की गई थी। तब की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो मामला काफी गंभीर हो गया था और एक महिला होने के नाते मायावती पर काफी लांछन और कीचड़ भी उछाले गए थे। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ यूपी में नहीं है, भारत के प्रत्येक हिस्से में जो भी उपेक्षित और दलित वर्ग है उनके साथ अन्याय होता है और अखिलेश यादव SC ST OBC को दलित शूद्र कहकर इनका अपमान कर रहे हैं और इनको और गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन्हें SC ST OBC के रूप से नवाजा है, तो वो क्यों नहीं अखिलेश यादव कह रहे? इसके बाद भी इतने पे ही मायावती नहीं रुकी, उन्होंने ट्वीट करना जारी रखा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को ये समझ लेना चाहिए कि ये जाति की राजनीति में बांटने से 2024 का जो लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे उसमें उनकी जीत कहीं से भी नहीं हो पाएगी। साफ तौर पर मायावती का कहना है, ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। इसके अलावा पिछले कुछ वक्त से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खासतौर पर साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लखनऊ कार्यालय में, SP के लखनऊ कार्यालय के पास, उसके बाहर काफी पोस्टर्स लगे हैं जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। जो शूद्र समाज के लोग हैं वहां पर, नेतागण हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो उनकी फोटोज के साथ बाकायदा पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स और पैनल लगाए जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया हमें अछूत क्यों कहा जाए, हम अछूत क्यों बन गए, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के बाद से ही भाजपा के निशाने पर तो अखिलेश यादव हमेशा से ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार भाजपा पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं और वो दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी, उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को दरअसल रामचरितमानस की का बखान इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको खुद पढ़ना चाहिए और वो जाति की राजनीति में समाज को बांटने की कोशिश करें, खासतौर पर यूपी को बांटने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को यूपी में रहने का हक ही नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी ऐसे लोगों को खुद यूपी की जनता भी सबक सिखाएगी। यूपी के दो बड़े नेता जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यानी DC केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो 2022 चुनाव में विधानसभा चुनाव में कुछ दिनों पहले ही
सपा में शामिल हुए थे बीजेपी छोड़कर। दोनों बड़े नेता हैं, दोनों टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों के दोनों अपनी बातों में अड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखी थी और इसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिससे शूद्रों का अपमान होता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यहां पर किसी भी शब्द में ऐसा नहीं दिखाई देता है कि अपमान होता हो। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें से कुछ अंश हटाने की मांग करते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो ऐसे अंशों को हटाने से क्या हर्ज है, ऐसे अंश को हटाने से क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ऐसे लोगों को यूपी से बाहर निकालकर, बाहर का रास्ता दिखाकर, वैसे तो यूपी की जनता ही उन्हें सबक सिखा देगी, स्वामी प्रसाद मौर्य को सिवाय जाति की राजनीति करने के कुछ नहीं आता। लेकिन आज पूरे दिन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, सबसे अहम बात यह थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने, यानी बुआ भतीजा की राजनीति में बुआ ने खुद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को ये बताने की कोशिश की है कि वो गेस्ट हाउस कांड ना भूले, जब एक दलित महिला के साथ किस तरह सपा के समर्थकों ने बदसलूकी की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दलित SC ST OBC को उपेक्षित वर्ग समझकर उन्हें शूद्र कहकर बार बार अपमानित ना किया जाए। ये सब कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अब देखना होगा कि रामचरित मानस पर उपजी राजनीति कहां जाकर थमेगी और किस तरह थमेगी, या फिर ये पूरी तरह 2024 के चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा। इसके अलावा एक और बात मैं जोड़ दूं यहां पर कि ये राजनीति राम मंदिर को लेकर बौखलाहट में है या वाकई में रामचरित मानस को लेकर है, इस पर भी सोचना होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल भी इसी वक्त मिलूंगी। बहुत शुक्रिया।